ये तुम्हारी बहन खुद को समझती क्या है? अब क्या किया रश्मि ने? उनका कॉल आया था अभी कि शाम को हमारे घर आ रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इसमें अच्छा क्या है, जब देखो हमारे घर ही आ जाती है रहने। तो ये उसका भी घर है प्राची, और क्या हो गया अगर वो आ रही है तो आने दो ना उसे। देखो जो कोई मतलब नहीं है, अब जब वो आएंगी तो उन्हें समझा देना कि वो उनका घर है, ये नहीं। शादी हो चुकी है उनकी, जब तक माजी थी तब तक ठीक था। क्या हो गया प्राची, इतना गुस्सा किस बात का है? अरे तो गुस्सा क्यों ना करूं, सारा खर्चा हमें उठाना होगा, माजी की पेंशन भी नहीं आती, सारा खर्चा अब हम उठाएंगे उनका। ठीक है मैं समझा दूंगा, तुम जाओ खाना बनाओ उसके लिए। खाना मैं क्यों बनाऊं, जो बना वही खाएंगी, अब मैं 56 वो बनाऊंगी उनके लिए। वैसे भी आती है तो पैसे लेकर ही जाती है, देकर थोड़ी जाती है। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ, बस शांत हो जाओ। दीदी लीजिए। आज आपका आने कैसे हुआ, वैसे तो आप केवल छुट्टियों में ही आती हो। हाँ भाभी, आपको तो पता ही है कि मुझे माँ से कितना लगाव था, और उनके जाने के बाद मेरा दिल यहाँ पर लगेगा नहीं, इसलिए छुट्टियों में नहीं आऊंगी। रश्मि हम तेरे पराए थोड़ी हैं, ये तेरा भी घर है, तो जब चाहे मिलने आ सकती है। नहीं भैया, यहाँ रहूंगी तो माँ की और याद आएगी, इसलिए। समझ सकती हूँ दीदी, लेकिन आप कुछ दिन हमारे साथ और बिताती तो हमें अच्छा लगता। आज आप दोनों के लिए ही आई हूँ, ज्यादा मत सोचिए। मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती। नहीं भाभी, अब बाद में ले आइएगा, मैं रात भर यहीं रहूंगी, सुबह ही जाऊंगी। पहले जिस काम के लिए आई हूँ वो तो कर लूँ। कैसा काम? घबराइए मत, आपको परेशान नहीं करूंगी। आपको माँ के हाथ के गोभी के पराठे पसंद है ना? आज उनकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आप दोनों के लिए बना के लिया है। इसमें उनके हाथों का स्वाद तो नहीं है, पर मैंने पूरी कोशिश करी। ये लीजिए भाभी, ये आप दोनों के लिए। आप दोनों हाथ धो आइए, फिर मिलकर साथ खाएंगे। और भैया, आज मैं माँ के कमरे में ही सोऊंगी, शायद उनके कमरे में सोऊं तो अच्छा फील। तुम जाके हाथ धो, हम प्लेट साथ। I'm sorry, शुभ, मैं कितना गलत समझ रही थी दीदी को, उनको कितना बुरा भला कहा मैंने, लेकिन वो तो माँ को याद करते हुए यहाँ पर आई और उन्होंने हमारे लिए कितना सोचा। मुझे माफ कर दो शुभ, प्लीज। कोई बात नहीं, तुमको समझ आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब जाओ प्लेट्स लगाओ, साथ बैठ के आएंगे। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.